Hello, 7th class. This is the second video of Nutrition in Plants, which is the first chapter of your textbook of science. In the first video, we had discussed about photosynthesis and the autotrophic mode of nutrition. In this video, we will discuss about heterotrophic mode of nutrition and saprotrophic mode of nutrition and their examples also. So now we can start. Let's recall our first video. जो हमारी जो पहली जो वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर आपने फोटोसिंथेसिस और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसके बारे में जाना था, उसके बारे में पढ़ा था। तो मैं आपको उससे अलग थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, देखिए फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की मदद से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। सो ये जो ग्रीन कलर्ड जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, क्या ये सिर्फ जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं क्या उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है? ये मेरा क्वेश्चन है और आंसर भी मैं ही बताता हूं कि जो लीव होती हैं सिर्फ उन लीव के अंदर वो जो फोटोसिंथेसिस करने वाला जो हमारा पिगमेंट है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट नहीं होता। वो बहुत सारे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कुछ डेजर्टिक प्लांट्स का, जैसे कैक्टाई प्लांट्स जो कैक्टस होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनका जो स्टेम होता है, आपने नोट किया होगा उनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है। बहुत सारे और प्लांट्स हैं जिनका स्टेम साथ में उनकी जो ब्रांचेज हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं। तो वो जो प्लांट्स हैं जिनका स्टेम या ब्रांचेज ग्रीन कलर की हैं, तो उसका मतलब क्या है, उनके अंदर ग्रीन कलर का ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट है और वो अपने स्टेम की मदद से, क्योंकि लीव्स अगर डेजर्टिक प्लांट की हम बात करते हैं तो डेजर्टिक प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं वो या तो स्पाइन की फॉर्म में होते हैं या फिर बहुत छोटे लीव्स होते हैं या फिर होते ही नहीं है। तो वो जो क्लोरोफिल है वो उनके स्टेम में या ब्रांचेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से वो लोग क्या करते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अपने स्टेम के मदद से कर लेते हैं। ओके, तो ये तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर क्या करता है, क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर कर लेता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, आमतौर पर अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें तो लीफ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वहां पे ही परफॉर्म किया जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स वहीं पे स्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स को देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। अब जो हमारी बॉडी है या जो प्लांट्स की बॉडी है, हमने क्या पढ़ा था, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है, उनके साथ साथ प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और जो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ओके, तो आप लोग ऐसे NPK से याद कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से कैसे उनको मिल सकते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट लीफ के अंदर स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, और जैसे अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स कैसे वो वहां से एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने सराउंडिंग से, एटमोस्फेयर से, या कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्रोटीन कहाँ से वो लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, देखिए प्रोटीन हमारा एक नाइट्रोजेनस, नाइट्रोजन से बनने वाला एक मटेरियल है, तो सॉरी न्यूट्रिएंट है। तो नाइट्रोजेनस होने के बावजूद ये जो प्लांट है हमारे वो उसको कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं,
वो उसको ओपन कर सकते हैं उनकी रूट्स से। देखिए नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो सबसे एबंडेंट गैस है, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की हम बात करें अप्रोक्सीमेट 71% जो है वो नाइट्रोजन ही है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन हमने जो पढ़ा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो अगर कंजम्पशन की बात आए तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कंजम्प कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन तो ले ही नहीं रहे। तो नाइट्रोजन उनकी बॉडी के अंदर कहाँ से जा रहा है? खास तौर पर अगर बात करें लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हमको प्रोटीन गिविंग प्लांट्स होते हैं, जैसे पल्सिस, पल्सिस खाने से आपको दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, तो ऐसे प्लांट होते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर, उनकी रूट्स के अंदर या उनके आस पड़ोस में उनके पास बिल्कुल एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेगा और उस एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में वो उस रूट के पास सोयल के अंदर मिक्स कर देता है, जहां से उस सोयल के अंदर से उस नाइट्रोजन को, उस सोल्यूबल नाइट्रोजन को जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल के साथ साथ उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था इसमें सिर्फ ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जिसको प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोटीन भी ले रहा है। ओके, तो अब हम अपने जो आज हमने जो स्टार्ट करना है हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो हमारा सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस पर आते हैं। अगर बात की जाए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, देखिए ऑटोट्रॉपिक में आप हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने वो पढ़ा था कि वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, वो हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को या उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। तो आज हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की या हेटरोट्रॉप्स की। ओके, अब देखिए हेटरोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट फॉलो करते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ या और एनिमल्स की बात करूँ तो वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपना जो फूड जो उनको न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए उनकी बॉडी को, वो सारा न्यूट्रिएंट अपनी सराउंडिंग से किसी प्लांट से, एनिमल्स से, कहीं से भी जो उनकी जो एनवायरनमेंट है वहाँ से वो सारी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए मैं आपको एक प्लांट का एग्जांपल बताता हूँ, वो प्लांट का नाम है कसकटा। ओके, और इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं अमर बेल के नाम से, सुना है ऐसा ना? तो ये जो अमर बेल या जो कसकटा हमारा जो प्लांट है वो क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका, जो पाइप जैसा एक उसका ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर है और येलोइश ग्रीनिश कलर है उसका लगभग, और वो आप उसको देख सकते हैं किसी भी पेड़ के, ऐसे नहीं मतलब कि सभी पेड़ों के ऊपर होगा वो, लेकिन किसी भी पेड़ के ऊपर आ जाता है और वो उस पेड़ के ऊपर आने के बाद क्या करता है, अपना सारा न्यूट्रिशन उस पेड़ के न्यूट्रिशन से ले लेता है, जिसकी वजह से उस पेड़ का न्यूट्रिशन कम होने लगता है और धीरे धीरे वो जो पेड़ है, वो जो प्लांट या ट्री जो भी है, वो धीरे धीरे वीक होता चला जाता है और शायद वो डेड भी हो जाए उसी की वजह से। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो वो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, ठीक है, वो प्लांट या जो वो ट्री जो भी चीज़ है, और दूसरा जो हेटरोट्रॉपिक कर रहा है, जो उस प्लांट के ऊपर वो जो कसकटा है जो उस प्लांट के ऊपर बैठा हुआ है और उस प्लांट के खाने में से अपना खाना ऑब्टेन किया जा रहा है। ओके, तो दो तरह के हो गए हमारे पास। अब देखिए अगर इनको देखा जाए तो वो जो ट्री है उस जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है तो उस ट्री को हम लोग बोलेंगे होस्ट, ठीक है, होस्ट हिंदी में उसको बोलते हैं मेजबान। ओके, और जो कसकटा है जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, जिसके खाने के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट। क्लियर, होस्ट एंड पैरासाइट, ये दो आपके टर्म्स थे। तो होस्ट के बारे में भी आपको पता चल गया है और पैरासाइट
पता चल गया है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको पता चल गया होगा कि वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरे प्लांट्स जो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उनके खाने में से अपना खाना ऑब्टेन कर लेते हैं, तो वो प्लांट्स हमारे क्या फॉलो करते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। क्लियर? नाउ लास्ट हमारा जो है वो सेप्रोट्रॉप्स है। ओके, अब ये जो सेप्रोट्रॉप है, सेप्रोट्रॉपिक, देखिए सबसे पहली बात, अब हमने डिस्कस कर लिया है कि जो खुद से प्रिपेयर करते हैं, जो खुद से प्रिपेयर नहीं करते। अब थर्ड जो हमारे पास जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो चीज मेरे दिमाग में आती है वो आती है सेप्रोट्रॉप में फंजाई। ओके, अब ये फंजाई क्या है, देखिए फंजाई प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं और वैसे इसको हम लोग बोलते हैं फंगस, सिंगुलर की अगर बात करें तो। आपने कभी किसी ब्रेड के ऊपर कोई ग्रीन वाइट या ब्राउन कलर के पैचेस या किसी भी और कलर के पैचेस देखे होंगे, खासतौर पर वो ब्रेड जो काफी दिनों से रखा हुआ है, इसको यूज नहीं किया गया है और उसकी जो सराउंडिंग आसपास का जो उसका जो एनवायरमेंट है वहां पे मॉइस्चर भी है और गर्मी भी है, ठंडी जगह पे नहीं है वो, वहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो गर्मी चाहिए वो भी है और साथ में मॉइस्चर भी है, वहां पे ह्यूमिडिटी भी है, जो एटमॉस्फेयर है वहां पे हवा में नमी भी है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि फंजाई या जो फंगस है वो वहां पे आ जाता है। अगर उसको हम किसी माइक्रोस्कोप से अगर उसको बड़ा करके देखें तो, या फिर आपने उसको बड़े ध्यान से अगर देखा होगा तो वो कुछ नहीं, वो कॉटन थ्रेड्स जो होते हैं जैसे हमारे रुई के जो धागे होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे होंगे, उनका एक नेटवर्क बना हुआ होगा उस ब्रेड के ऊपर, या जरूरी नहीं ब्रेड के ऊपर, कोई भी जो हमारा जो खाना है, जो कंटेमिनेटेड फूड है, जो खराब हो चुका है उसके ऊपर भी आ सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आ सकते हैं। अब खराब होने से क्या मतलब है, डेड एंड डिकेइंग, जो हमारा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होता है और उस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को जो खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और वो सेप्रोट्रॉप्स जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी जानवर है या प्लांट है, तो अगर डेड प्लांट और डेड एनिमल को हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर उसको अगर बेरी करते हैं, उसको दफन करते हैं वहां पे, गाड़ दें जमीन के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद वहां से वो चीज गायब हो जाती है, या फिर आपने डीकम्पोजिशन का प्रोसेस सुना होगा जिसे मैन्योर तैयार करते हैं, वो कैसे होता है, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को जो माइक्रोब्स जो हमारे होते हैं वो उसको खाते हैं और उसको खाने के बाद उसको ऑर्गेनिक मैटर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अभी जो ब्रेड के लिए अगर फंजाई की हम बात करें तो ये कैसे होगा, फंजाई क्या करता है, उस ब्रेड को खाता है, डायरेक्टली नहीं खाता है, उस ब्रेड के ऊपर वो कुछ केमिकल्स आप बोल सकते हैं रिलीज करता है, लेकिन उन केमिकल्स से होता क्या है, उन केमिकल्स से वो जो ब्रेड है उसके ऊपर एक सॉल्यूशन की फॉर्म आ जाती है और उस सॉल्यूशन को फिर वो खाता है। ओके, और वहां से फिर अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। तो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस चीज के ऊपर टिका हुआ है, जो डेड एंड डिकेइंग, जो मर चुकी जो चीजें हैं उनके ऊपर। ओके, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारे सेप्रोट्रॉप्स जो कि फॉलो करते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा मशरूम, मशरूम के पैकेट्स मार्केट के अंदर बिकते हुए देखे होंगे, उसको एज अ वेजिटेबल उसको हम लोग घर पे लेके आते हैं बनाते हैं, तो मशरूम आपने जो देखा होगा वो भी क्या है, वो भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे लगा हुआ। कभी किसी लकड़ी को अगर आप बाहर छोड़ दें बारिश के मौसम में, या वो लकड़ी अगर खराब होने लग जाए, वो गलने या सड़ने लग जाए, तो उसके ऊपर भी आप वो मशरूम्स देख सकते हैं, वो क्या करेंगे, उस लकड़ी को डिके करने में मदद करते हैं उस टाइम पे। ओके, तो जो हमारे
हमारे जो मशरूम है वो भी क्या है, सेप्रोट्रोप्स है, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा है, ऑटोट्रोपिक के बारे में हमने पढ़ा है, ऑटोट्रोप्स हमारे पता है हमको क्या होते हैं। ऑटोट्रोप्स के एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पेड़ जो आपके आस पड़ोस में मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहीं मेरे को अपने सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो जो पेड़ है वो नीम, एक है मैंगो, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये क्या करते हैं, ये अपना जो खाना है वो खुद से ही प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या है, फोटोट्रोप्स। हेटरोट्रोपिक की अगर बात करें, जो दूसरों से करता है, तो मैंने वो जो अमर बेल का जो एक एग्जांपल बताया है वही है, और वैसे इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं। अब बात करें अगर हम सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों की, मतलब हमारे सेप्रोट्रोप्स की बात की अगर हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारा फंजाई है वो ठीक है, जो हमारा मशरूम है जो वो भी है ठीक, और ऑटोट्रोपिक में और मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक एग्जांपल उसका जो एल्गी होता है, एल्गी आप लोगों ने देखा होगा कि पॉन्ड्स के ऊपर जो पॉन्ड्स या फिर हमारे जो ऐसे स्टैग्नेंट वाटर अगर कहीं पे खड़ा हुआ है बहुत दिनों से पानी वहाँ पे और कहीं जा नहीं रहा, इन्फिल्ट्रेट भी नहीं हो रहा है, इवेपोरेट भी नहीं हो रहा है, तो एक पॉन्ड जैसी जगह या लेक वहाँ पे बन चुकी है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आए हुए हैं। ओके, वो जो ग्रीन कलर के पैचेज हैं वो भी क्या है, वो एल्गी है। उनका कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना खाना खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट हमारा चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक चीज और बचती है, वो चीज है आपका सिम्बायोटिक। अब ये सिंबायोटिक रिलेशन क्या चीज है, सिंबायोटिक रिलेशन की अगर बात करें तो देखिए, सिंबायोटिक रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को शेल्टर या फूड या दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं या करने में मदद करते हैं। ओके, तो वो उनका रिलेशनशिप हो गया सिम्बायोटिक। अगर जैसे मैं लेग्यूमिनस प्लांट की जैसे मैंने बात की थी, जो हमारे जो प्रोटीन गिविंग जो प्लांट थे उनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, वो जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया था जो प्लांट के रूट्स के पास रह रहा था, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन कर रहा था, उस प्लांट से। ओके, और बदले में प्लांट को क्या दे रहा था, बदले में प्लांट को सोल्यूबल नाइट्रोजन दे रहा था। तो दोनों शेल्टर भी एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन है। ओके, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आज खत्म हो चुका है, और इस चैप्टर के अंदर आपको चार चीजें प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, सेकेंड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ सेप्रोट्रोपिक मोड।